बारिश हो रही है बुआ, चल बाहर घूम के आते हैं। हाँ भैया चलो। ये क्या शर्मा अंकल, इतना बड़ा बोट? हाँ चिंटू, आज ही खरीद कर लाया हूँ। अब आराम से बारिश के दिनों में इसे से घूमूंगा। आता हूँ अपनी पत्नी को बुलाकर। अरे सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बउआ बोट में चाबी लगा है, चल घूम के आते हैं। ये बउआ बोट चलाने में तो बहुत मजा आ रहा है। ये भैया और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, रुक। पिंकी तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार जा रही है? चल मैं तुझे अपने नया बोट से घुमा के लाता हूँ। हाँ चल। चिंटू बोट में घूमने में तो बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना पिंकी, मैं तेरे लिए ये नया बोट खरीद के लाया हूँ। कहाँ है जी बोट, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम भी, सामने ही तो रखा है। अरे बोट कहाँ गया? वो देखो जी चिंटू, बोट के साथ साथ अपनी बिटिया को भी भगा कर ले जा रहा है। अरे चिंटू रुक, क्या हुआ अंकल? मेरा बोट लेके कहाँ जा रहा है? पापा ये आपका बोट नहीं, चिंटू मेरे लिए खरीद कर लाया है। पागल से रहते थे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, चौतर नीचे। नहीं उतरूंगी, चल चिंटू जल्दी से बोट चला, नहीं तो पापा बोट छीन लेंगे। हाँ हाँ चलाता हूँ। अरे चिंटू रुक, बोट लेके कहाँ भाग रहा है? रुक। चिंटू जल्दी चला, पापा पीछा कर रहे हैं। हाँ भैया जल्दी चला, नहीं तो अंकल छीन लेंगे बोट। हाँ हाँ अभी 100 की स्पीड पे चलाता हूँ। ये हाय रे, मेरा बोट तोड़ दिया। इतना मुश्किल से खरीदा था। अजी रोना बंद करो, इस बोट को बेचकर कबाड़ी से पैसे वसूल लेंगे। तू पागल हो गई है, 10,000 रुपए में नया बोट खरीद के लाया था, कबाड़ी वाला तो मुश्किल से 200 रुपया देगा इस बोट का। हाँ तो क्या हुआ, 200 रुपया का पार्टी कर लेंगे।